समा घड़ी, राम राम, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज मैं बूंदी से एक नई डेस्टिनेशन के तरफ बढ़ रहा हूं और इस समय चेकआउट कर रहा हूं अपने हॉस्टल को, और नया डेस्टिनेशन है नाथद्वारा। इसके रास्ते बहुत खूबसूरत हैं, तो मैं आज आपको इन खूबसूरत रास्तों की सैर करवाऊंगा, इसलिए बने रहिए मेरे साथ और चलिए नाथद्वारा। बूंदी से लगभग 28 किलोमीटर आगे नाथद्वारा की तरफ स्टेट हाईवे 29 पर चलने के बाद ये झील दिखती है। बहुत सुंदर झील, बहुत सुंदर। सुंदर झील, छोटी छोटी पहाड़ियां, अच्छा हाईवे, रेलवे लाइन, बहुत खूबसूरत नज़ारा। और क्या चाहिए ऐसी खूबसूरत और एक्साइटिंग रास्तों के लिए। और दोस्तों, आप तो बस इंजॉय करते रहो खूबसूरत रास्तों को मेरे साथ और मेरे चेतक के साथ। एक बार तो चारों तरफ का जो है सीन दिखाने का बनता है भाई। इतना बेहतरीन सीन, कितनी आप देखें, कितना बेहतरीन सीन है चारों तरफ का। ये बूंदी से चित्तौड़गढ़ की सड़क है और बेहतरीन सीन आप देखें, और ये तो बनता है जैसे आप देखें पूरा चारों तरफ। छोटी छोटी पहाड़ी और बीच में बहुत सुंदर सी झील, रेलवे लाइन, सड़क, ब्यूटी। दोस्तों, आप तो सीन देखो, सीन क्या शानदार रास्ता, मजा आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है इस रोड पर राइड करने का। अब देखो, बहुत ही कम ट्रैफिक, बहुत अच्छा हाईवे, चारों तरफ सुंदर सीन। दोस्तों, अब मैं चल रहा हूँ भारत के दूसरे सबसे लंबे नेशनल हाईवे पर। इसका नंबर है NH 27 और इसको ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी कहते हैं। यह असम के सिलचर से शुरू होकर गुजरात के पोरबंदर महात्मा गांधी जी की जन्मस्थली तक जाता है और लंबाई है 3507 मींस 3507 किलोमीटर। भारत के 7 राज्यों से गुजरता है, इसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम। और चीज बताऊं, यह मेरे शहर लखनऊ से भी गुजरता है और पहले नंबर का NH है 44, जिसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर और दोनों हाईवे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं झांसी पर। कापासन और
चित्तौड़गढ़ से मुड़ना पड़ेगा कापासन, कापासन से फतेहनगर, फतेहनगर से फिर नाथ द्वारा, नाथ द्वारा। तो लगभग 10 मिनट का रेस्ट हो गया है यहाँ पर भी, देखते हैं चलते हैं भी। दोस्तों यहाँ से राइट टर्न लेकर मैं चित्तौड़गढ़ रोड पर आ गया हूँ और मुझे कापासन, भोपाल सागर, फतेहनगर, मावली से नाथद्वारा जाना था और मावली में मेरे गूगल बाबा ने पता नहीं मुझे किस रास्ते पर, किस रोड पर मोड़ दिया कि मैं इतना परेशान हो गया, इतनी ख़राब सड़क मिल गई। और फिर मैं लगभग रात को अपने होटल पहुंचा, जो कि मैंने ऑलरेडी एडवांस बुक कर रखा था आरटीडीसी के होटल गोकुल को। उस रोड पर मैं इतना परेशान हो गया था कि इसके आगे मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाया। और दोस्तों एक बात, अभी मैं अपनी इस राजस्थान विंटर बाइक टूर सीरीज़ को विराम दे रहा हूँ, अल्प विराम कहें, और मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश में। मैंने अभी एक्सप्लोर किया है कुंजुम पास, साच पास, काजा। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए और मेरी नई सीरीज़ को जो है आप आनंद उठाएं, नई सीरीज़ जो कि हिमाचल की है और बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है। और एक निवेदन और है कि आप लोग मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।